एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड युंदो दिखाई जाती है, जो कि एक न्यूज कंपनी में इंटर्न थी और आज वो अपना पहला इंटरव्यू लेने वाली थी, इसीलिए वो उसकी काफी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी हमारे मेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम तांगी बाई है और वो एक स्विमर है जो कि यहाँ से गुजर रहा था। तब वो युंदो को इस तरह प्रैक्टिस करते हुए देखकर काफी इंप्रेस होता है और स्माइल करते हुए यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही स्विमिंग कॉम्पिटिशन का टाइम होता है, तभी मिस्टर सनाकर युंदुआ से मिलते हैं और इन्हीं के अंडर वो काम कर रही थी। वो उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है और तुम्हें रियूफांग का इंटरव्यू लेना है, जिसके बारे में युंदुआ ने पहले से ही काफी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी कि वो बहुत ही अच्छा स्विमर है। अब जैसे ही रियूफांग आता है, तभी सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और युंदुआ जैसे तैसे करके उसके पास जाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच हम युबाई को देखते हैं, वो भी कंपटीशन के लिए रेडी होकर आ रहा होता है। क्यूरिफांग को देखकर सभी रिपोर्टर्स आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी युंदुआ धक्का मुक्की में पूल के अंदर गिर जाती है और डूबने लगती है, जिसे देखकर युबाई उसे बचाने के लिए आता है। फिर हम युंदुआ को बेहोश देखते हैं, जहाँ वो हमें बताती है कि 4 साल पहले वो इसी तरह पानी में गिर गई थी। तब उसे किसी ने बचाया था, लेकिन वो कौन है उसे इसके बारे में नहीं पता, पर वो उसे अपना मर्मेड प्रिंस मानती है, इसलिए वो उसे ढूंढना चाहती है। अब जैसे ही युंदुओं को होश आता है, तो वो अपने सामने युबाई को देखती है, जो उसे बताता है कि तुम पूल में गिर गई थी तो मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसके लिए वो उसे थैंक्स बोलती है और उसे बोलती है कि तुम तो कॉम्पिटिशन के कंटेस्टेंट हो, तो अगर तुमने मुझे बचाया तो तुम्हारे कॉम्पिटिशन का क्या हुआ। जिस पर युबाई उसे बताता है कि कॉम्पिटिशन 1 घंटे के लिए पोस्टपोन हो गया है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम एक रिपोर्टर हो, जिस पर युंदो हाँ बोलती है। तो युबाई उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी। युंदो कहती है कि हाँ जरूर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। तो युबाई बोलता है कि लेकिन कंपटीशन के बाद, जिस पर वो भी मान जाती है और उसे गुड लक विश करती है। युबाई उसे अपनी स्विमिंग गॉगल्स गिफ्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है, पर युंदो भी उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है कि क्योंकि तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेकिन उसका बैग तो मिस्टर सन के पास था, इसीलिए उसके पास जो बचा कुचा सामान था उसमें से उसे एक टी बॉइल्ड एग मिलता है, जिसे निकाल कर वो युबाई से बोलती है कि फिलहाल तो मेरे पास यही है तुम्हें देने के लिए। युबाई अब पहले तो हंसता है, लेकिन फिर वो उसे ले लेता है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर युंदुओं से काफी इंप्रेस हो जाती है। अब स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें युबाई फर्स्ट आता है, जो देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। फिर मिस्टर सन युंदुआ से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि एक रिपोर्टर पानी के अंदर गिर गई थी, जिसका मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगते हैं। तब वो उन्हें बता देती है कि वो रिपोर्टर मैं ही थी और पानी में गिरने की वजह से आपने जो मुझे कैमरा दिया था वो खराब हो गया है और मैं उसे रिपेयर करवा दूंगी। पर मिस्टर सन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इस सब का ख्याल मैं रख लूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने रियूफांग का इंटरव्यू लिया कि नहीं, जिस पर वो मना कर देती है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, इसलिए युंदो अब रियूफांग को ढूंढने के लिए कैंपस में जाती है। दूसरी तरफ हम युबाई को देखते हैं, जो युंदो के दिए हुए गिफ्ट को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रियूफांग आ जाता है, जो उससे पूछने लगता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो युबाई कहता है कि एक फ्रेंड ने, जो सुनकर रियूफांग कहता है कि जरूर कोई लड़की होगी, पर युबाई ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके दोस्त फिर भी उसके पीछे पीछे आते हैं और उसे बार बार पूछने की कोशिश करते हैं। इधर युंदुआ युबाई के बारे में ही सोच रही थी और उसने जिस तरीके से कंपटीशन जीता वो उसकी एक्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर युबाई और उसके दोस्त पहुँच जाते हैं, जो उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगते हैं। क्यूरिफांग अब युंदुआ के पास आकर कहता है कि क्या तुम एक रिपोर्टर हो और तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हो, जिस पर वो हाँ बोलती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ भी चाहिए है ना। युंदुआ तो उसे मना करने लगती है, लेकिन वो जबरदस्ती स्विमिंग गॉगल्स पर अपना ऑटोग्राफ दे देता है, जो देखकर युंदुआ उसे डांटती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया, ये मुझे किसी पर्सन ने गिफ्ट किए हैं और तुमने इन्हें खराब कर दिया। रियूफांग कहता है कि ये तो जाने पहचाने लग रहे हैं, और क्या जिस पर्सन ने तुम्हें ये गिफ्ट किए थे उसको तुमने भी एक टी बॉइल्ड एग गिफ्ट किया है, और वो पर्सन युबाई है। युंदुआ उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता। तो क्यूरिफांग उसे टी एग सिस्टर कहकर बुलाता है और उसके दोस्त हंसने लगते हैं, जिस वजह से युंदुआ नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है और युबाई भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। युंदुआ युबाई से कहती है कि क्या मैंने तुम्हें वो एग इसलिए दिया था ताकि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक बना सको। तभी वहाँ रियूफांग आ जाता है, जो कहता है कि युबाई कभी किसी लड़की का मजाक नहीं बनाता। युबाई भी उसे बोलता है कि तुम इतना परेशान मत हो, रियूफांग ने तो तुम्हें सिर्फ एक निकनेम ही दिया है, और अब मैं तुम्हें उसका निकनेम बताता हूँ जो कि क्यू क्यू है, जो सुनकर युंदुआ हंसने लगती है। तब रियूफांग कहता है कि लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। युंदुआ उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे इंटरव्यू दोगे तो मैं मान जाऊंगी, पर रियूफांग मना करने लगता है। तो युंदुआ कहती है कि अगर तुम मुझे इंटरव्यू नहीं दोगे तो मैं एक रिपोर्टर हूँ और तुम्हारा निकनेम न्यूज़पेपर में छाप दूंगी, जो सुनकर वो उसे इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। पर तभी वहाँ उनकी हेड कोच मिस युआन आ जाती है, जो कि क्यूरिफांग को बुलाने लगती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। युबाई यहाँ पर युंदुआ को बोलता है
कि अगली बार मैं तुम्हें उसका इंटरव्यू जरूर दिलवा दूंगा, ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। पर युंदुओ उसके पीछे जाकर उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे गॉगल्स क्यों गिफ्ट किए। तभी भाई उसके क्लोज आ जाता है और उसे बताता है कि इतने सालों में तुम मेरी फर्स्ट इंटरव्यूअर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें गॉगल्स गिफ्ट किए हैं। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और युंदुओ स्माइल करने लगती है। यहाँ से जाने के बाद युंदुओ ये भाई के बारे में काफी रिसर्च करती है। तभी मिस्टर सन उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या तुमने रिफांग का इंटरव्यू लिया, जिस पर वो मना कर देती है और पूछती है कि क्या हम ये भाई का इंटरव्यू नहीं ले सकते। मिस्टर सन बोलते हैं कि वो तो एक छोटा सा कॉम्पिटिटर है और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो युंदुओ बोलती है कि इसीलिए तो हमें उसका इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि लोग उसके बारे में जाने। पर मिस्टर सन उसे स्विमिंग के 4 सबसे बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इन सबका इंटरव्यू लेना है, जिनमें से एक रियूफांग भी था। अभी भी युंदुओ मिस्टर सन को ये बाई का इंटरव्यू लेने के लिए मनाने लगती है। आपको नहीं पता कि ये बाई कितना फेमस स्विमर है, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया है, उसने गोल्ड मेडल भी जीता है और वो ओयंग से भी काफी बेटर है। ये सारे मेडल्स उसने 18 ईयर्स की एज में जीते थे और वो एशियन एलीट टीम में भी शामिल होने वाला था, लेकिन तभी उस पर इल्जाम लगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई सब्सटेंस यूज करता है और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन उसने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा और अब 4 साल बाद उसने अपना कमबैक किया है। और मैं आपको बता रही हूँ कि एक दिन ये भाई भी बहुत आगे जाएगा। मिस्टर सन कहते हैं कि हाँ तुम बात तो ठीक कह रही हो, क्योंकि वो रियूफांग का दोस्त भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। युंदुओ ने बताती है कि ये भाई ने उसे उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहा है और अगर हम ये पता लगाएंगे कि 4 साल पहले क्या हुआ था तो ये भी तो काफी बड़ी न्यूज बनेगी। तब मिस्टर सन उसे कह देते हैं कि अगर तुम चाहो तो इस केस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, और वो उसे आगे काम करने का बोलकर उसे एक नया कैमरा देते हैं। जिसके बाद हम युंदुओ को एक और स्विमिंग कॉम्पिटिशन में देखते हैं। इस बार ये भाई काफी अच्छा परफॉर्म करता है और फर्स्ट आता है, जो देखकर युंदुओ भी काफी खुश होती है। अब जब सभी लोग ये भाई का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब युंदुओ भी वहाँ पर आती है, जिसे देखकर ये भाई उसे आगे बुला लेता है और उसे सवाल पूछने को कहता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक दूसरा रिपोर्टर ये भाई से पूछने लगता है कि 4 साल पहले क्या हुआ था, क्या आप पर ड्रग्स का इल्जाम लगा था, तो क्या आप इस बार में हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। युंदुओ उस रिपोर्टर को बोलती है कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है। यहाँ इन दोनों में काफी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और युंदुओ ये भाई के लिए काफी अच्छा स्टैंड लेती है, जो देखकर वो भी काफी खुश हो रहा था और बताता है कि हाँ ये सच है कि टेस्ट करने पर मेरी बॉडी ड्रग पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन मैंने कोई भी ड्रग्स यूज नहीं किया था। युंदुओ भी अब ये भाई के बारे में सवाल करने से सभी लोगों को टोकती है, क्योंकि इसका किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं था। तभी कोच वो आकर ये भाई को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद ये भाई युंदुओ को उसके लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक्स बोलता है। तभी रियूफांग और उसके दोस्त भी आकर युंदुओ को थैंक्स बोलते हैं। अब जब वो यहाँ से जा रही होती है तब मिस्टर सन युंदुओ को डांटने लगते हैं कि तुम्हारा काम रिपोर्टिंग करना है, ना कि किसी के खिलाफ स्टैंड लेना, ऐसा करने से हमें कंपनी से निकाला भी जा सकता है। युंदुओ बोलती है कि लेकिन वो लोग बिना किसी सबूत की भाई पर इल्जाम लगा रहे थे, जो मुझसे देखा नहीं गया। मिस्टर सन कहते हैं कि हम लोग रिपोर्टर्स हैं और इस सब से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। युंदुओ कहती है कि मैं तो सिर्फ एक ऑनेस्ट पर्सन की मदद कर रही थी, लेकिन अगली बार से मैं इस सब का ख्याल रखूंगी। यहाँ से जाते वक्त युंदुओ का वॉलेट यहीं पर गिर जाता है, जो कि इस लिंजी नाम के बंदे के हाथ लगता है, और ये कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जब युंदुओ बस में जाती है तब उसे उसका वॉलेट नहीं मिलता। लिंजी अब यहाँ पर उसके सामने अच्छा बनने के लिए उसके लिए पे कर देता है। तब युंदुओ उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है ताकि वो उसे रीपे कर सके, लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कोच वू ये भाई को रिपोर्टर्स के सवालों से थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। रात में यांग यांग रियूफांग से मिलती है और उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये भाई की फैन ने दिया है, जिसे जाकर वो ये भाई को दे देता है और पूछता है कि क्या लड़कियां भी तुम्हारी फैंस हैं। पर ये भाई कहता है कि ये गिफ्ट तुम यांग यांग को रिटर्न कर देना, क्योंकि मैं लड़कियों की गिफ्ट नहीं रखता। रियूफांग उसे बोलता है कि कहीं ये गिफ्ट युंदुओ ने तो नहीं भेजा, और वो उसके और युंदुओ के बारे में बातें करके उसे चिढ़ाने लगता है, जो सुनकर ये भाई हेडफोन्स पहन लेता है ताकि उसे उनकी बातें सुनाई ना दे, और ये काफी फनी होता है। दूसरी तरफ जब युंदुओ घर पर अपना वॉलेट ढूंढ रही होती है तभी उसे लिंजी का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि आपका वॉलेट मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला और आप मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस दे दीजिए, जिसे मैं आकर वहीं पर लौटा दूंगा। ये सुनकर तो युंदुओ काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि वो काफी अच्छा पर्सन होगा, लेकिन लिंजी ने ये सब जानबूझकर किया था। असल में वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि एक बार वो उसकी कंपनी के बाहर ही काफी ड्रंक हालत में बैठा हुआ था और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, तब युंदुओ ने ही आकर उसकी मदद की थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। फिर हम ये भाई को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहां उसके नी में काफी पेन होने लगता है क्योंकि उसे एक बार वहां पर इंजरी हुई थी, जहां उसका टीममेट उसकी काफी मदद करता है। अगले दिन लिंजी युंदुओ का वॉलेट रिटर्न करने के लिए उसके ऑफिस जाता है, जिसके लिए युंदुओ उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी 2 बार मदद की थी, इसीलिए वो उसे रीपे करने के लिए लंच पर चलने के लिए बोलती है। पर लिंजी ये कहकर मना कर देता है कि वो बिजी है और यहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद युंदुओ को उसके बॉस बुलाते हैं और उसे कल के इंसिडेंट की वजह से काफी डांटने लगते हैं। वो उसे बोलते हैं कि अभी तो तुम सिर्फ एक इंटर्न हो और तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है। युंदुओ बोलती है कि लेकिन मैंने तो सिर्फ वही कुछ कहा है जो कि सच था। जो सुनकर उसके बॉस उसे बहुत सुनाते हैं और बोलते हैं कि तुम सिर्फ यहाँ पर एक इंटर्न हो, क्या तुम अपनी जॉब खोना चाहती हो? और अगर तुम उसे सच में बचाना चाहती हो तो पास्ट में क्या हुआ था इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उसे इनोसेंट प्रूव कर दो। पर युंदुओ मना कर देती है और बोलती है कि मेरा काम सिर्फ न्यूज को रिपोर्ट करना है, न कि स्कैंडल्स को अनकवर करना। तभी यहाँ पर चेंगमाई नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि बॉस से काम के बहाने बात करने लगती है और युंदुओ को वहाँ से भेज देती है ताकि उसे और डांटना पड़े। और ये लड़की युंदुओ की बेस्ट फ्रेंड थी। जिसके बाद हम रियूफांग को देखते हैं जिसे यांग यांग क्लास की नोट्स दे रही थी क्योंकि वो क्लास के वक्त सो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि रियूफांग की फैन थी और वो उसके साथ फोटो लेने लगती है, जो देखकर यांग यांग काफी जेलस होती है। वहीं मिस्टर सन युंदुओ को स्टेडियम जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ 3 बजे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। पर जब युंदुओ वहाँ पर पहुँचती है तो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से अंदर चली जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था। पर जब वो पूल के पास जाती है तभी एकदम से इवाई पानी में से निकलकर बाहर आता है और युंदुओ उसे देखकर काफी चौंक जाती है और वहां से भाग जाती है। इवाई भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब युंदुओ भाग रही थी तभी कुछ लड़के पास में बास्केटबॉल खेल रहे थे और बॉल उसे लगने ही वाली थी, लेकिन इवाई आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे देखकर इस तरीके से भागी क्यों थी? तब वो बोलती है कि शायद मैं तुम्हें अचानक से अपने सामने देखकर चौंक गई, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जो सुनकर इवाई हंसने लगता है और वो भी अपनी इस हरकत पर थोड़े एंबैरस होकर हंसने लगती है। फिर वो उसे पूरा इंसिडेंट बताती है कि वो तो यहाँ पर युफांग का इंटरव्यू लेने के लिए आई है और क्योंकि वो इस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रही थी तो ये भाई उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और उसे हेड कोच के पास लेकर जाता है और उन्हें मनाने लगता है ताकि वो युंदुओ को रियूफांग का इंटरव्यू लेने दे। अब क्योंकि रियूफांग की इंग्लिश काफी बेकार थी तो ये भाई कोच युवान से बोलता है कि युंदुओ उसे इंग्लिश सिखाने में भी मदद कर सकती है, जिससे रियूफांग की इमेज भी थोड़ी सुधर जाएगी क्योंकि हमने देखा है कि पिछले वाले इंग्लिश इंटरव्यू में उसने क्या किया था। तभी कोच युवान को याद आता है कि युंदुओ ही वही रिपोर्टर है जिसने ये भाई के लिए स्टैंड लिया था, इसलिए वो इसके लिए मान जाती है। युंदुओ अब रियूफांग से मिलती है उसे ये सारी चीजें बताने के लिए और उसकी इंग्लिश को टेस्ट करने लगती है, लेकिन उसकी इंग्लिश सच में काफी बुरी थी जिसे देखकर सभी लोग बहुत हंसने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि युंदुओ रियूफांग को रात तक पढ़ा रही होती है, जो चीज इवाई भी देख रहा था और इन्हें साथ देखकर उसे काफी जेलसी हो रही थी, इसलिए वो भी उसके पास पढ़ने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को इस बार में बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो सभी लोग ये बोल रहे होते हैं कि रियूफांग उस रिपोर्टर से ट्यूशन ले रहा है, शायद वो उसे लाइक करता है, जो देखकर यांग यांग को काफी जेलस फील होता है और वो उन सभी को डांट कर अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है क्योंकि वो उन सभी की कैप्टन थी। फिर वो भी रियूफांग को देखने के लिए जाती है, जहाँ रियूफांग इवाई को जेलस करने के लिए बोल देता है कि मुझे मेरे इंग्लिश टीचर के साथ अकेला छोड़ दो क्योंकि इवाई उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, जो चीज यांग यांग भी सुन लेती है और काफी जेलस हो जाती है। तभी युंदुओ भी इवाई को जाने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं तुमसे इसे पढ़ाने के बाद मिलूंगी, इसलिए इवाई भी अच्छा बच्चा बनकर उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। पर जाते जाते भी वो रियूफांग को घूर रहा था, जिसके बाद इवाई युंदुओ को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें भी करते हैं और काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम रियूफांग और यांग यांग को देखते हैं, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम युंदुओ से क्यों पढ़ रहे हो जबकि मैं तुम्हें पढ़ा रही थी। रियूफांग कहता है कि तुमने अपने आप को देखा है कभी? तुम मुझे कितना डांटती रहती हो और मारती रहती हो, तो तुम्हारे साथ कौन पढ़ना चाहेगा? जबकि युंदुओ तो कितनी अच्छी है, उसकी खुशबू तो अभी तक मेरे दिमाग में है और वो कितनी पोलाइटली बात करती है। जो सारी बातें सुनकर यांग यांग भी गुस्से में उठकर यहाँ से चली जाती है। फिर रियूफांग ये भाई से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम तो युंदुओ को उसके घर छोड़ने के लिए गए थे, तो गुड बाय बोलते समय तुम दोनों ने एक दूसरे को हक किया या फिर किस? ये भाई उसे ऐसी बातें ना करने को बोलता है और अपने काम पर ध्यान देने को कहता है। अगली सुबह रियूफांग यांग यांग को बताता है कि युंदुआ मेरा इंटरव्यू करने वाली है। यांग यांग बोलती है कि ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू थोड़ी है, तो तुम इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? रियूफांग कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अब वो और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और युंदुओ कितनी अच्छी लड़की है, वो बहुत ही खूबसूरत है, क्यूट है और काफी स्ट्रांग भी है। उसने इवाई को कितने सारे लोगों के सामने प्रोटेक्ट किया था, इसलिए तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। जो सारी बातें सुनकर यांग यांग बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और गुस्से में चॉपस्टिक्स भी तोड़ देती है, जिसके बाद युंदुओ रियूफांग का इंटरव्यू लेकर वहां से जाने लगती है। तो रियूफांग उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए बोलता है और जैसे ही युंदुओ उसे अपना फोन स्कैन करने के लिए दिखाती है तो इवाई और उनका एक फ्रेंड भी उसे वीचैट पर ऐड करने लगते हैं। रियूफांग युंदुओ की वीचैट आईडी देखकर बोलता है कि तुम्हारी आईडी तो इवाई से काफी मिलती जुलती है और तुम दोनों के नाम भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, अब मुझे समझ आया कि तुम इवाई को लाइक करती हो।
युंदो एम्बेरस होकर बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पर यांगयांग आ जाती है जो इन लोगों से पूछती है कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो। रियूफांग उसे बताता है कि युंदुआ युवाई को लाइक करती है मुझे नहीं, जबकि मैं उससे कितना हैंडसम हूँ। तो यांगयांग युंदुओ को बोलती है कि तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है, युवाई एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जो सुनकर रियूफांग कहता है कि नहीं नहीं मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ, जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद युवाई युंदुओ से पूछता है कि क्या तुम भी रियूफांग को लाइक करती हो। तो युंदुआ उससे पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, जिस पर युवाई हाँ कहता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। युंदुआ अब यहाँ उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ, जिस पर वो हाँ कहता है और वो उसके सवाल का जवाब देते हुए बताता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता है और उसे ये भी बताता है कि उसे अनार का जूस पीना काफी पसंद है। तो यहाँ युंदुओ जूस पीते हुए उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। फिर ये बाय उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ बस में युंदुओ उसकी फोटो को देखकर स्माइल कर रही थी और वो खुद से कहती है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है, ये बोलकर वो शर्माने लग जाती है। वहीं जब युवाई वापस पहुंचता है तो उसके कोच उसे बहुत डांट लगाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए लेट हो गया था। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हर एक वक्त बहुत ही कीमती है, इसलिए तुम इसे लड़कियों के पीछे बर्बाद नहीं कर सकते। अगले दिन ऑफिस में युंदुओ के बॉस जब उसका इंटरव्यू देखते हैं तब वो उसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे नए प्रोजेक्ट पर काम करने को बोलते हैं और उसका रैंक भी वो 13 से हटाकर 5 कर देते हैं क्योंकि ऑफिस में 13 इंटर्न्स थी और उनमें से सिर्फ 2 को ही ऑफिशियल रिपोर्टर बनाया जाएगा, इसीलिए उसे अपनी रैंक भी अच्छी मेंटेन करनी थी। इसीलिए ये चीज देखकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी मिस्टर सन उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि ड्रीम कप कंपटीशन जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसलिए हमें भी उसकी कवरेज करना शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बाई के कॉलेज में नॉर्थ फिजिकल टीम उनके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आई होती है, जिनका लीडर ओयांग होता है, जहाँ इन दोनों टीम्स के बीच में काफी गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिलता है। ओयांग ये बाई को अपने साथ बात करने के लिए बुलाता है क्योंकि वो हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे। ओयांग ये बाई को अपने साथ बास्केटबॉल खिलाने के लिए लेकर जाता है और गोल करने के लिए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए लाया हूँ कि मैं काफी बदल गया हूँ और तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। ये बाई उससे पूछता है कि लिटिल वन कैसी है, पर ओयांग ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अब आखिर लिटिल वन कौन है इसके बारे में भी हमें बाद में ही पता चलेगा। रियूफांग अब युवाई के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ओयांग ने तुमसे क्या बात की, लेकिन अब हमें पास को याद नहीं करना है। जिसके बाद हम युंदो और चेंगमई को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ चेंगमई उसे जेम्स लिन के बारे में बताती है और कहती है कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो कि कभी भी फेल नहीं हुआ, लेकिन अचानक 4 साल पहले वो कहीं पर चला गया और कोई भी उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। फिर वो उसकी पिक युंदुओ को दिखाती है जो कि एक साइड पिक थी और युंदुओ को कहती है कि ये बहुत ही हैंडसम है और अगर कभी भी मेरे सामने आएगा तो मैं इसे जरूर पहचान लूंगी। जो सुनकर युंदुओ कहती है कि कहीं तो मैं इससे प्यार तो नहीं हो गया। तभी लिंजी वहां पर आ जाता है जिसे युंदुओ चेंगमई से मिलवाती है और बताती है कि ये वही है जिसने मेरा वॉलेट वापस किया था। फिर वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम लिंजी बताता है, जो सुनकर चेंगमई उसकी तरफ देखने लगती है और उससे पूछ लेती है कि क्या आप जेम्स लिन हो। ये सुनकर लिंजी काफी नॉर्मली जवाब देता है और बोलता है कि तुम पहली नहीं हो जो ये पूछ रही हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लिंजी अब युंदुओ को बोलता है कि तुम्हारे ऊपर मेरा फेवर है, इसलिए क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, मुझे जॉब की काफी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करके तुम्हारा असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरी मेंटर बनोगी। युंदुओ उसे देखकर बोलती है कि तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े और वॉच देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें जॉब की जरूरत है। लिंजी बोलता है कि ये सब तो मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया हुआ है और जॉब ढूंढने के लिए ही मैं ऐसे ड्रेसअप होकर रहता हूँ। युंदुओ उसे कहती है कि मैं भी अपनी कंपनी में ऐसे इंटर्न जॉब करती हूँ और अभी तो मेरी पोजीशन ही पक्की नहीं है, तो मैं तुम्हारी मेंटर कैसे बन सकती हूँ। लिंजी बोलता है कि इस सब की चिंता मत करो, मेरे पास मेरे खुद के सॉल्यूशंस हैं। ये बोलकर डिनर का बिल पे कर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम मिस्टर सन और युंदुओ को एक ऑडिटोरियम के बाहर देखते हैं, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। युंदुओ मिस्टर सन से पूछती है कि आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, तो वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर ओयांग आने वाला है क्योंकि नॉर्थ फिजिकल और साउथ फिजिकल ये दोनों ही स्कूल्स हमेशा एक साथ ट्रेनिंग करते हैं ड्रीम कप के लिए और आज तक कोई भी ओयांग का इंटरव्यू नहीं ले पाया है। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए सभी लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ओयांग और युवाई को साथ में एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम तो काफी वीक हो और तुम मुझसे हार जाओगे, पर युवाई उसे बिना कुछ भी जवाब दिए वहाँ से चला जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में वो गलती से युवाई के टीममेट लिंगी को हिट कर देता है, इसलिए वो उसे माफी मांगने को बोलता है। ओयांग कहता है कि मुझे युवाई से बात करनी है, तो लिंगी बोलता है कि पहले अपनी गलती की माफी मांगो और फिर उससे बात करना। अब इसकी वजह से यहाँ पर दोनों टीम के बीच में एक टकराव देखने को मिलता है।
वहीं हम रियूफांग को देखते हैं जो कि सभी रिपोर्टर्स के पास जाता है। जहाँ जैसे वो इन दो को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पर ओयांग का इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। इसीलिए रियूफांग उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अब जैसे ये दोनों अंदर आते हैं तो सभी लोगों को आपस में बहस करता हुआ देखते हैं। लिंगे रियूफांग को सारी बात बताता है और कहता है कि ओयांग मुझसे माफी नहीं मांग रहा। ओयांग की टीम का मेंबर कहता है कि वो एक कैप्टन है तो वो माफी क्यों मांगेगा। रियूफांग कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर हैं, तो चलो देख लेते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ जब इन दोनों टीम्स का झगड़ा होने ही वाला था, तभी युंदुओ कैमरा निकाल कर ओयांग का इंटरव्यू लेने लगती है और बोलती है कि आप ओयांग होना नॉर्थ फिजिकल टीम के कैप्टन, आपने अभी अभी ऐसा क्या किया जो कि यहाँ पर इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है। जो देखकर ओयांग की टीम का मेंबर कहता है कि इस रिपोर्टर को यहाँ पर कौन लाया है, तो रियूफांग कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रिपोर्टर नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। युंदुओ कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं एक प्रोफेशनल रिपोर्टर हूँ और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं सारी बात रिपोर्ट करूंगी, इसीलिए आप प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। ओयांग अब कैमरे के सामने अपनी गलती मान लेता है और लिंगी को सॉरी बोल देता है। आगे ये भाई उन दोनों से कहता है कि तुम तो सच में काफी बहादुर हो। पूछती है कि आखिर तुम दोनों टीम अलग अलग क्यों रहते हो। ये भाई बताता है कि इसका एक रीजन है, पास में हम दोनों टीम्स में से सबसे अच्छा हमें चुना गया था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि आखिर ओयांग और रियूफांग ऐसे क्यों लड़ रहे थे, जिस पर ये भाई कुछ नहीं कहता। तो युंदो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है और मैं तुम्हारी किसी भी बात को बाहर रिपोर्ट नहीं करूंगी, जिस पर ये भाई कहता है कि तुम तो काफी अंडरस्टैंडिंग हो। जिसके बाद हम लिंजी को देखते हैं जो कि युंदो की कंपनी में उसका असिस्टेंट बनकर आ जाता है। असल में जब युंदो के बॉस को पता चलता है कि वो जेम्स लिन है तो वो उसे रखने के लिए मान जाता है। बदले में वो उसकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट में हेल्प करके काफी अच्छा फायदा पहुंचाएगा और लिंजी उन्हें अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। वहीं युंदुओ इस बात से काफी परेशान थी कि लिंजी उसका असिस्टेंट बन गया है क्योंकि वो उसे हर काम में परेशान करता था। रात में लिंजी ये भाई से मिलने के लिए जाता है जहाँ में पता चलता है कि ये दोनों भी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लिंजी उसे बोलता है कि तुम अपनी टीम में वापस आ गए, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो ये भाई उससे पूछता है कि लिटिल वन कैसी है, जिस पर वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और मैंने क्यूके न्यूज़ कंपनी ज्वाइन कर ली है। ये भाई उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये जॉब ज्वाइन क्यों की, तो वो कहता है कि इसके पीछे एक लड़की है जिसने मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट दिलाया। अगले दिन ये भाई के कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है, इसीलिए मिस्टर सन युंदो और लिंजी साथ में वहाँ पर जाते हैं और युंदो उसे काम गड़बड़ करने से मना करती है। कॉन्फ्रेंस रूम में जब ये भाई युंदो को देखता है तब वो काफी खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो वहाँ पर लिंजी को देखता है तो वो समझ जाता है कि कल रात लिंजी युंदो के बारे में ही बात कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो दोनों टीम के कोच बताते हैं कि वो अपने अपनी टीम के साथ यहाँ पर ड्रीम कप की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तभी एक रिपोर्टर पूछती है कि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों टीम के कैप्टन्स में से कौन जीतेगा। रियूफांग कहता है कि मेरा कोई ओपोनेंट नहीं है और मैं सिर्फ ये भाई को ही अपना ओपोनेंट मानता हूँ, जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। लिंजी अब रियूफांग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये भाई ओयांग से बेटर है, तो रियूफांग कहता है कि इसका जवाब ये भाई देगा और मुझे लगता है कि ये भाई ओयांग से नहीं डरता, वो उससे बेटर है। लिंजी ये भाई से बोलता है कि क्या रियूफांग ने जो कहा वो सच है, तो ये भाई बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ तो मैं किसी भी चैलेंज से नहीं डरता। अब यहाँ सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये भाई ओयांग को हरा देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद युंदुओ लिंजी से काफी नाराज होती है क्योंकि वो काफी बोल्ड सवाल पूछ रहा था और वो उसे डांटने लगते हैं। तो मिस्टर सन भी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जब तुम्हारी मेंटर ने तुम्हें ऐसा करने के लिए ना कहा हो। तो लिंजी बोलता है कि आप देखना कल ही न्यूज हेडलाइन बन जाएगी कि ये भाई ने ओयांग को चैलेंज किया है, जो सुनकर युंदुओ को काफी गुस्सा आ जाता है। अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है और लोग ये भाई के बारे में गलत गलत कमेंट्स करने लगते हैं, जो देखकर लिंजी तो काफी खुश होता है लेकिन युंदुओ बहुत ही अपसेट थी। इस न्यूज से रियूफांग भी काफी अपसेट होता है। तभी उसे युंदुओ का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या ये भाई ठीक है आज की न्यूज देखने के बाद। रियूफांग कहता है कि वो खुद को शांत करने के लिए बुक रीड कर रहा है, तो युंदुओ बोलती है कि वो तो काफी नाराज होगा। ये भाई अब उससे फोन लेकर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। ये भाई उसे बताता है कि अभी मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे आकर थोड़ी हिम्मत दे। युंदुओ उससे पूछती है कि बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। ये भाई उसे बोलता है कि जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे लिए एक सॉन्ग गा सकती हो। युंदुओ अब उसके लिए एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाती है जो देखकर उसे काफी अच्छा लगता है और वो उसे थैंक्स बोलता है। ये भाई अब उसे कॉम्पिटिशन में अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाता है, जिसके लिए युंदुओ भी मान जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करने का बोलकर फोन रखकर चली जाती है। तभी यहाँ पर ओयांग आता है जो कि उसे बात करते हुए सुन रहा था और वो उसे बोलता है कि आई कांट बिलीव कि तुम में अभी भी लड़कियों से फ्लर्ट करने की एनर्जी बची हुई है, जिस पर रियूफांग कहता है कि ये भाई इज इन लव तो इस पर तुम जेलस क्यों हो रहे हो।
ओयंग बोलता है कि तुम उस लड़की को अपने कॉम्पिटिशन देखने के लिए बुला रहे थे, क्या वो यहाँ पर आकर तुम्हें हारता हुआ देखेगी। जोसन करीब है उसे देखने लग जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।